हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सौर मंडल। सोलर सिस्टम, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम के मिड में सन होता है। मैं सन को एस से डिनोट कर रहा हूँ। सन होता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर ले रहे होते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज नोट करनी है कि कितने प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लेते हैं, मतलब एक तरफ दूरी कम होती है, एक तरफ दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे सीरियल वाइज, यानी कि यहाँ पे सन है तो सन से दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट किसके बाद या किसके पहले आता है। यहाँ पे सबसे पहले है सन हमारा। सन के सबसे पास है मरकरी या बुध। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, बुध। एक्चुअली हम लोग इसको बुध कहते हैं बट ये बुध होता है, ठीक है। बुध ये सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है और ये प्लेनेट सन मतलब हमारी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। तो पेपर में पूछा जाता है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, तो बुध है। सन के सबसे पास कौन सा है, तो बुध है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारा शुक्र, वीनस। शुक्र आता है। शुक्र से तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बट मैं इसके बाद एक और चीज ऐड कर दूं, उसके बाद बता। उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं पूरी सोलर सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं हमारी आकाश गंगा में, मतलब मिल्की वे में, हमारी मिल्की वे में यानी कि हमारी गैलेक्सी में अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पे जीवन है, जहां पे हम लोग जिंदा है, वो केवल केवल पृथ्वी ही है जहां पे जीवन संभव है। सॉरी, ये जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत हो गया, मिल्की वे, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अब शुक्र से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। सेकंड, पृथ्वी की बहन कौन है। तो पृथ्वी की बहन हम लोग शुक्र को कहते हैं क्योंकि इसका आकार और इसका द्रव्यमान और बाकी चीजें पृथ्वी से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसी बार की जो आपका इनटेक 221 था एयरफोर्स का, उसमें ये पूछा गया था कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन शुक्र था, ठीक है। इसके बाद है मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा। संध्या, संध्या नहीं, सॉरी, संध्या, क्योंकि मेरी इस बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है तो जल्दी जल्दी में राइटिंग और स्पेलिंग से काफी मिसप्रिंट हो रही है, तो सॉरी उसके लिए। संध्या का तारा ये सब हम कहते हैं शुक्र को। एक और चीज याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट इन दोनों का नहीं है। पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, जिसको हम चंद्रमा या मून कहते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। और एक और चीज, शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, इसलिए शुक्र सबसे गर्म है। सब लोग सोचते हैं बुध गर्म होना चाहिए क्योंकि सन के ये पास है, एक्चुअली बुध गर्म है बट ये चीज मैटर कर जाती है कि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयरिक लेयर बनी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से, ये क्या करता है, बुध से ज्यादा सन की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और ये बुध से ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे गर्म शुक्र है, इसको मन में नोट कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा मंगल या मार्स। एक और चीज इसमें ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगल का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को, क्योंकि यहाँ पे नाइट, सॉरी, यहाँ पे जो मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा है, या फेरस ऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है इसलिए ये लाल है। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति या जुपिटर। हिंदी में सब लिख रहे हैं तो इसे भी हिंदी में लिख देते हैं, ये सब ने हटा बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सब कुछ क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, वो आप लोग ऐसे याद कर लेना। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी तक कुछ महीनों या कुछ सालों पहले तक कहा जा रहा था कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, बट करंट की जो रिपोर्ट है या रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को गलत बताया गया है, तो वो अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके ज्यादातर पेपर्स में अब वो क्वेश्चन आता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा उपग्रह हैं किसके, बट मैं फिर भी बता दूंगा। और एक और चीज बृहस्पति में नोट करने वाली है कि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये हम लोगों ने जान लिया। सेकंड, जो हमारा सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है गैनीमीड, गैनीमीड ये बृहस्पति का है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह मून है या नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। एक और चीज मैं बताना भूल गया, मंगल पे जो इसके मंगल के दो उपग्रह हैं, दो मून है, ठीक है। मंगल का एक मून है जिसका नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। तो डिमोस हमारी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है, ठीक। इसके बाद आता है शनि। एक और चीज, बृहस्पति सबसे भारी ग्रह भी है। शनि जो है इसका जो घनत्व है शनि का, ये जल से भी कम है। मतलब अगर हम शनि प्लेनेट को ऐसा इमेजिन करिए, शनि प्लेनेट को पानी में लाके डाल दें तो ये क्या करेगा, उसमें तैरने लगेगा, इतना घनत्व इसका कम है। शनि का एक अभी एमआर के पेपर में शायद जो 2020 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण। अरुण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है, अरुण जो होता है वो हरा रंग छोड़ता है, ठीक है, अरुण हरे रंग का है। उसके बाद आता है वरुण। वरुण हमारे सौर मंडल का सबसे दूरी का ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। और इन सभी के जो सैटेलाइट है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए कोई वो नहीं है। जो शनि के सैटेलाइट है ये भी कम ज्यादा होते रहते हैं। रिसेंटली शनि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स वाला प्लेनेट है, सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। एक चीज जो पेपर में कभी शायद पूछ ली जाए वो ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो आपका शुक्र है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो वीनस है प्लस जो आपका अरुण है, अरुण यानी कि यूरेनस, या फिर इसको नीचे हिंदी में लिख देते हैं, जो आपका शुक्र है प्लस जो आपका अरुण है, ये आपके इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर नहीं रोटेट करते हैं, बल्कि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो भैया जब आप शुक्र पे जाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा, वहां सूरज आपका पश्चिम से निकलेगा। आप यूरेनस पे यानी कि आप अरुण पे जाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे जो आपका सूर्य होगा वो पश्चिम से निकलेगा। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, कुछ बड़े पेपर्स में शायद आया है इजी बनाने के लिए, कि कौन से ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं, तो सारे केवल शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी पश्चिम से ईस्ट की ओर रोटेट करते हैं, इसलिए सन ईस्ट से निकलता है। लेकिन वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सन जो है वो पश्चिम से निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन अभी तक पेपर में से पूछे गए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बट वो हाई लेवल के हैं। तो आज के लिए सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक छूट गए हैं, अभी अभी मुझे वो याद आए, इसलिए मैंने फिर से वीडियो को ऑन करवाया है, क्योंकि अभी तुरंत याद आ गया। वो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो उसको भी ऐड कर दें,
ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके, उसमें ये है कि सूर्य ग्रह और आपका चंद्र ग्रह, यानी कि आपका लूनार इक्लिप्स और जो आपका रहते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण वो विधार्मिक वाला ग्रहण नहीं है, ठीक है, कि इसमें राहु केतु आपके सूर्य और चंद्र को ढक लेंगे, वो मेथड यहाँ पे काम नहीं आएगा आपका। उसको याद रखिए, अपने मन में रखिए, बट अप्लाई ना करिए क्योंकि उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अब देखिए, ये है आपका सन, ठीक है, तो क्या होता है, ये है आपकी अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी का एक ही मून है जिसको कि हम मून कहते हैं, ठीक है, ये इसके चारों तरफ घूमता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी कभी ये इसके बीच में आ जाए? बिल्कुल है। जब चांद यानी कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, सन की कुछ रेस तो पृथ्वी पर आती है, कुछ रेस पृथ्वी पर आती है, लेकिन कुछ नहीं आती है, ढक जाती है। इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी अलग अलग एंगल्स पे अपना रोटेट करती रहती है, मतलब इसका रिवॉल्यूशन करती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, तो जिस एंगल पे कभी कभी पृथ्वी होती है कि सन की बिल्कुल भी रे पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, तो उसे भी हम सूर्य ग्रहण करते हैं। सिंपल से इसमें आपका पूछा जाता है इन तीनों का क्रम क्या होता है, मतलब किस सीरियल वाइज ये रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, जिससे सन की लाइट पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और सन की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती या सन हमें नहीं दिखाई देता। चंद्र ग्रहण में जस्ट इसका अपोजिट होता है, या सन होती है या अर्थ होता है और यहाँ मून होता है, मतलब मून और सॉरी ये अगली इधर ही समझ लीजिए, ये सन है, ये है आपका अर्थ, यहां पे मून आ जाता है, मतलब सन की रेस अर्थ पे तो पड़ती है लेकिन अर्थ क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है इसलिए मून पे सन की रे नहीं पड़ती और वो बिल्कुल काला हो जाता है, क्योंकि मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सन के लाइट की वजह से चमकता है, तो इस पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ती है और चांद हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें भी सीरियल पूछता है तो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक छोटा सा छूट गया था। ओके, थैंक यू।